असलम वेलकम टू डेली बिट्स इन मलेशिया जी तो कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक एंड खुशबाश होंगे तो जी कैसे जा रहे हैं आप लोगों के रोज़े हमारे रोज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह से सेवनटीन रोजा जो है वो इन हम रफ्तारी करेंगे और देखें देखते देखते देखे, जी है वो रोज़े गुजर गए हमारे और ऐसे ही देखते देखते पूरा रमज़ान गुजर जाना है और बस अब अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सब की बातों को कबूल करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे और बस फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए बहुत सारी दुआ किया करें आप लोग भी कि अल्लाह ताला उनको भी आज़ादी अता फरमाए और उनको जो है वो फतह नसीब करे क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐतम हो रहा है वहाँ पर तो मेरी आप सब से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है वो उन लोगों के लिए दुआ किया करें अगर हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम दुआ तो लाजमी कर सकते हैं ना तो अल्लाह ताला जो है वो उन पे अपना करम करे और वो भी जो है वो मुसलमान हैं हमारे बहन भाई हैं और उन पे भी अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा करम करे और वो भी हमारी तरह जो है वो दोबारा से अपनी ज़िंदगियों में वापस आ जाए तो जी यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पराठा रोल और उसके लिए मैंने हस्बैंड की थोड़ी सी हेल्प ली थी यहाँ पर कि मुझे चिकन जो है वो पीसीस करके दे दे तो बस यहाँ पे जो है वो उन्होंने मुझे पीसीस करके दे दिए हैं अच्छा जी अब यहाँ पे हम देख लेते हैं मसाले मसालों में मैंने लिए है रेड चिली फ्लेक्स और चाट मसाला लिया है और मैंने खुश्क धनिया लिया है इसके अंदर ब्लैक पेपर लिया है और गरम मसाला है और नमक और सब को मैंने हाफ ऑफ चम्मच रखा है क्योंकि आज जो है वो चिकन थोड़ा कम है और उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसमें सारे मसाले रखे हैं अच्छा जी उसके बाद अभी यहाँ पे मैंने लिया है दो से तीन टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने एक चम्मच भर के जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया अच्छा ये वही लहसुन अदरक का पेस्ट है जो मैंने रमज़ान शरीफ की प्रप्रेशन में लगाया था और अभी तक मेरा ये चल रहा है और अभी एक पूरे बॉक्स मेरे पास पड़ा हुआ है और डेली मैं बहुत ज़्यादा इसको यूज़ भी करती हूँ देखिए मेरा कितना टाइम सेविंग हो गया इसको बना के रखने से अच्छा जी उसके बाद अब हम लोगों ने उसकी रॉ स्मेल ख़त्म की है और उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने डाल दिया है चिकन चिकन को थोड़ा सा वाइट होने देंगे जब तक चिकन वाइट नहीं होता तब तक हम इसके अंदर कोई मसाला नहीं डालेंगे अच्छा जी यहाँ पे देखिए चिकन हो गया है अच्छे से वाइट और अब इसके अंदर हम लोगों ने जितने भी वो मसाले मैंने आपको अभी बताए हैं वो सारे के सारे मसाले इसके अंदर डाल दूंगी और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सोया सॉस सोया सॉस जो है वो एक चम्मच है और उसके साथ साथ यहाँ पे विनीगर डाल रही हूँ विनीगर भी मेरे पास एक चम्मच ही है और मैं मै नहीं करती मैं ऐसे डायरेक्ट डाल देती हूँ क्योंकि मुझे अब अंदाज़ा हो चुका हुआ है अच्छा जी उसके साथ साथ जाएंगे ये सारे के सारे मसाले और अब हम इनको सारों को अच्छी तरह से भून लेंगे और भूनने के बाद फिर हम लोग बाकी चीज़ें बनाएंगे और बस यहाँ पे देखिए मैं ना अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मैं ना स्टील का कोई ना कोई बर्तन जरूर यूज़ करती हूँ तो ये मेरी सासू माँ के पास ना स्टील के बर्तन पड़े हुए हैं और मुझे बड़े ही प्यारे लग रहे हैं ये स्टील के बर्तन तो मुझे बड़ा मजा आता है इन चीज ऐसे बर्तनों को यूज़ करने में ना तो मैं अक्सर जो है वो उन्ही बर्तनों में उठा के ना चीज़ें यूज कर रही होती हूँ तो आप लोग भी देखें कितने खूबसूरत हैं ये वाले स्टील के बर्तन ना पुराने दौर में ये बड़े चलते थे और यहाँ पे देखे समोसा फिलिंग हो रही है और अजलान भी जो है वो साथ ही साथ लगा हुआ है कि मैं भी समोसा फ़िल करूँगा और ये देखे साथ ही साथ उठा रहा है और वो भी लगा रहा है अजलान के बाबा लगे हुए हैं अजलान की दादो लगी हुई हैं और हम साथ साथ मैं किचन में कर रही थी काम और इनको मैंने लगा दिया था समोसा फिलिंग में और ये वाली फिलिंग भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अब जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी क्या कर रहे हो मोहम्मद इजलान बनाया समोसा बनाया मेरी जान ने वाह दिखाओ मुझे दोबारा से और जी यहाँ पे देखिए मेरा चिकन जो है उसको मैंने अच्छे से कर लिया फ्राई और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ दो से तीन चम्मच बस पानी का डाल रही हूँ क्योंकि चिकन तो थोड़ा सा ही है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं डालूँगी और इसको बस मैं ना यूँ ही इसको दम पे रख दूँगी ताकि थोड़ा अच्छे से ना पक जाए और सारे मसाले भी इसके साथ जो है वो अच्छे से मर्ज हो जाएँ इसके अंदर ना तो बस अब इसको हम लगा देते हैं दम पे और और आजकल तो ईद की तैयारियां भी जोर शोर पे होंगी आप सब भी जो है वो ईद की तैयारियां कर रहे होंगे साथ साथ ही कपड़े भी सिलवा रहे होंगे जूते भी ले रहे होंगे <laughs> तो हम लोग ने भी साथ, साथ जो है वो ईद की शॉपिंग स्टार्ट कर दी हुई है और अभी हम लोगों ने बस शूज़ लेके आए थे सारे हम अपने सारे बच्चों के भी और अपने भी शूज़ ले आ चुके हैं बाकी चीज़ें अभी हमारी भी लेना बाकी हैं अच्छा जी उसके बाद यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी डो आ, आटा गूंदने लगी थी पराठों के लिए तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो दो कप जो आ, मैदा लिया है और उसके अंदर मैं एक चम्मच जो है वो आटा नमक डाल रही हूँ और उसके अंदर थोड़ा सी मैं चीनी डाल रही हूँ हाफ चम्मच के करीब अच्छा जी उसके बाद मैं इसके अंदर दो चम्मच भर के डाल दूंगी देसी घी के इससे बड़े क्रिस्पी से बन जाते हैं जब हम आटा गूंधते हुए घी डालते हैं ना तो पराठा जो है ना बड़ा मज़े का क्रिस्पी सा बनता है अच्छा जी सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है घी को जो है वो अच्छी तरह सारे आटे में ना हम लोगों ने मिक्स कर लेना है ठीक है हाथों से अच्छी तरह मसल मसल के करना है ताकि वो कहीं से कोई गुठली ना रह जाए तो बस अब यहाँ पे मैं इसको करूँगी अच्छी तरह से मसलूँगी और उसके बाद इसके अंदर एज रिक्वायर्ड पानी जितना आपको रिक्वायर हो और आटा जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए तो बस अब यहाँ पे देखें मैं आटा गूँना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ हम क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे शॉपिंग की थी जी बताएं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी जा रही है आप लोगों की शॉपिंग आजकल तो बाजारों में रश भी बहुत ज़्यादा होगा ना मैं तो जब गई थी तो बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे और स्टाइलो तो पूरा भरा पड़ा था ऐसे जगह ही नहीं मिल रही थी वहाँ पर जैसे आप पता नहीं <laughs> किस दुनिया में आ गए बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पर ना तो मार्केट में वैसे भी बाहर बहुत ज़्यादा रश था तो जी देखें आप बातों बातों में यहाँ पर आटा भी हमारा गुन गया है और यहाँ पे मैंने कर लिए हैं पेड़े पराठे बनाने के लिए और अब मैं बनाने लगी हूँ पराठा तो सबसे पहले एक पेड़ा लिया और उसकी हम लोगों ने बनानी है रोटी गोल सी और यहाँ पे जो है मैं जो रोटी बनाते बनाते ना मेरे से थोड़ी ख़राब हो गई थी रोटी तो वो रोटी जो थी ना वो गोल की बजाय ना लंबा वाला पराठा बन गया था थोड़ा सा तो मेरी सिस्टर और लो भी मेरे साथ ही तो मुझे बोल रही थी कि नहीं ये इसको ना स्किप करो और नया बनाते मैंने कहा नहीं नहीं जो रियल में हम लोग बना रहे हैं ना हमने वही अपनी ऑडियंस को दिखाना है कोई बात नहीं पराठा तो है ना अगर गोल नहीं बना तो क्या हुआ हमारा अगला पराठा गोल बन जाएगा तो जी बस यहाँ पर देखिए हम लोगों ने पराठा भी यहाँ पर बना लिया है और उसके बाद जो है वो मैं अगला पराठा भी इन प्रोसेस कर रही हूँ साथ ही साथ क्योंकि ये हम लोगों ने ना अफ्तारी के बाद बनाया था क्योंकि अफतारी के टाइम पर तो इस तरह की चीज़ नहीं खाई जाती तो उस वक्त हम लोगों ने बस फ्रूट चाट वगैरह और इस तरह की चीजें खा ली थी और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो पराठे बनाए थे अफतारी के बाद अच्छा जी यहाँ पे सारे पराठे मैंने बना लिए थे और उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां भी काट ली थी बंद गोभी थी और साथ ही प्याज थे और फ्राइज भी हम लोगों ने बना ली थी और ये चिकन है जो मैंने बनाया था अच्छा यहाँ पे पराठे की हम लोगों ने करनी है फिलिंग सबसे पहले जो है वो केचप लगानी है उसके बाद मायोनीस लगानी है यहाँ पे सॉसेज जो है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो जो भी आप लोग को अच्छी लगती है वो इसमें लगा सकते हो उसके बाद सिंपली जो क्या है वो सारी चीज़ें जितनी भी हम लोगों ने बनाई है सारी फिलिंग्स इसके अंदर डाल देनी है हम लोगों ने बारी बारी और यहाँ पे देखें सारी फीलिंग्स मैं डाल रही हूँ उसके ऊपर दोबारा हम लोगों ने माइनस डाल देनी है फिर जो फ़्राइज होगी वो भी बिस्किट तारी में आप लोग भी बना के खाएं बहुत मज़े का लगता है तो इससे क्या होता है कि आप लोगों की रोटी वाला सीन भी पूरा हो जाता है और चस्का भी पूरा हो जाता है जो लोग रोटी नहीं ना खाते हैं जैसे हम जैसे लोग जो बाद में रोटी नहीं खाते हैं उनको ले लें ले ये बहुत बेस्ट चीज़ है कि आप लोग जो है वो पराठा रोल बना लें थोड़ा शवारमा टाइप बना लें या कुछ ऐसी चीज़ें बना लें जिससे कि जो है वो आपकी रोटी वाली जो है वो नींद पूरी हो जाए तो आप लोग भी इसको बना के खाएँ बहुत मज़े का बनता है और बहुत हेल्दी भी है ये और एक चस्का भी बन जाता है और हमारा हेल्दीपन भी पूरा हो जाता है तो आप लोग भी बनाएं बहुत अच्छा बनेगा इन तो हम लोग को भी बहुत मज़ा आया था हम लोगों ने जब ये खाया और बहुत ही जो है ना वो सॉसी सॉसी सा बना था क्योंकि मैंने इसके अंदर ना बहुत सारी सॉसेज़ इस तरह से करके डाली थी और बहुत ही ज़्यादा ना मुझे तो बहुत मज़ा आया था इसको खाते हुए और इसमें फ्राइज जो है वो ऑप्शनल है टोटली ऑप्शनल है आपने डालने हो तो डाल लें नहीं डालें तो ना डालें मैंने इसके अंदर डाल दिए थे मुझे जो है चूँकि फ़्राइज़ भी बहुत मज़े के लगते हैं स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं इसलिए जो है वो हम लोग फ्राइज़ तो लाजमी डालते होते हैं अच्छा उसके बाद मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी चीज़ सॉस डाली थी और चीज़ सॉस है ना बहुत ही चीज़ी चीज़ी सा वो बनता है और बहुत मज़े का लगता है ना चीज़ नहीं डालनी पड़ती आपको चीज़ सॉस डाल दो वो था और यहाँ पे देखें पराठा हो गया है मेरा डन अब हम कर रहे हैं इसके पीसीस दो पीसीस और ये देखें कितना वो जो है सा और कितना मज़े का पराठा अंदर से लग रहा है और खाने में भी उतना ही मज़े का था तो बस ये मेरा आज की रेसिपी थी आप लोगों के साथ और चले जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लाग में दुआ में याद रखिएगा हाफिज़